आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। मिर्जापुर पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। उपचुनाव और आगामी निकाय चुनाव को देखते हुए अपराध और अपराधियों की रोकथाम के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत रेलवे पुलिस और मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। संयुक्त टीम ने दो इनामिया चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 117 रेलवे पटरी के पैडा क्लिप्स बरामद किए हैं। पडरी थाना प्रभारी के साथ एसओजी स्वार सर्विलांस की टीम को सूचना मिली थी कि रात में कुछ अज्ञात चोर रेलवे की पटरियों में लगे पैडा क्लिप्स जलेबी को चोर चुरा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लिया, टीम को निर्देशित किया, जिससे पडरी थाना पुलिस ने भौर में गश्त लगाने के दौरान पहाड़ी नदी के किनारे से दो इनामिया चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ जारी है। उन्होंने बताया कि ये रेलवे पटरियों के क्लिप्स जलेबी निकालकर उसे बाहर पैसे कमाकर बेच देते थे। मिर्जापुर से विनय केसरवानी की रिपोर्ट। चोरी करने वाले गिरोह का आपने खुलासा किया है, ये किस रूट पे ये चोरी करते थे और क्या इसमें मिलेगा? जनपद मिर्जापुर में अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें थाना पटरी एवं स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रेलवे के पटरियों में लगी क्लिप को चोरी करके बेचने वाले एक गैंग को पकड़ा गया है, बस्ट किया गया है। इसमें दो इनामी 25,000 रुपये के इनामी शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इनका मॉडस अपरांडी ये था कि जो रेलवे रूट है यहाँ पे, जो कि दिल्ली से हावड़ा की तरफ जाता है, वहाँ पे पटरी थाना अंतर्गत जो रेलवे पटरियों पे लगे हुए क्लिप्स होते हैं उनको निकाल कर पैसा कमाने के मकसद से बेचने का इनका प्लान था। और इनके पास से टोटल 6 बोरियों में 117 रेलवे के क्लिप्स भी बरामद किए गए हैं। ये शातिर चोर संदीप सिंह और प्रियांशु ये थाना पटरी के रहने वाले हैं। पूर्व में भी रेलवे एक्ट के अंतर्गत इन पे कुछ मुकदमे भी दर्ज हैं और इसकी शिकायत हमें रेलवे विभाग और आरपीएफ से भी मिली थी। तत्काल इसमें जो सीओ सदर के नेतृत्व में टीमों का गठन करके काम पे लगाया गया था और पुलिस को इसमें सफलता मिली है। ऐसे शातिर चोरों पे जो कि सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुँचा रहे थे, इन सब पे गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए इनकी संपत्ति को भी कुर्क किया जाएगा और साथ ही साथ जो सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम है उसको 15,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।